हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो ये अवेयरनेस रेज करने के लिए मनाया जाता है, जो कि चैलेंजेस फेस करते हैं रिफ्यूजी, ठीक है, जिसके आम जनता को अवेयर किया जा सके। तो यह रिफ्यूजी डे ऑर्गेनाइज पहली बार कब किया गया था? ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था 20 जून 2001 को। किस बॉडी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करते हैं तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1945 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के थीम की 2020 के, तो इसका थीम है इस साल का एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स? तो इसका सही जवाब है बहरीन। बहरीन जो है चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं एशियन यूथ पैरा गेम्स की, तो ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। और ये गेम्स कब होने हैं बहरीन में? ये गेम होने हैं दिसंबर 1 से लेकर 10 तक 2021 में। इसमें लगभग 800 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम होती है। अगर बात करें बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल है मनामा। और अगर करेंसी की बात करते हैं तो बहरीनी दिनार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मारुति सुजुकी ने आसान ऋण की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की? रिसेंटली मारुति सुजुकी पार्टनर विद विच बैंक फॉर ऑफरिंग इजी लोन्स? तो इसका सही जवाब है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के साथ मारुति सुजुकी ने हाल ही में पार्टनरशिप की है, ताकि अपने कस्टमर्स को एक इजी फाइनेंसिंग स्कीम प्रोवाइड करी जा सके। अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी भारत की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1981 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन हैं केसी भार्गव जी। अगर बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की, तो करूर वैश्य बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1916 में। इसका हेडक्वार्टर है करूर में, जो कि तमिलनाडु में है, और इसका चेयरमैन है NS श्रीनाथ जी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने फसलों को बचाने के लिए रोका छेका तकनीक को लागू करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट रोका छेका टेक्निक टू सेव क्रॉप्स? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में रोका छेका तकनीक को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके। यह रोका छेका तकनीक है क्या? यह तकनीक है ताकि इसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको खेतों में खुला न छोड़ा जाए, जिससे कि वो किसानों की फसल को खा जाएं। इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लगभग 2000 से ज़्यादा काउ सेट बनाए हैं, जिनमें डोमेस्टिक एनिमल्स को रखा जाएगा। अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अगर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं श्रीमती अनुसुईया उइके जी। अगर बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है भूपेश बघेल जी। और अगर बात करते हैं लोकसभा सीट्स की छत्तीसगढ़ में, तो 11 लोकसभा सीट्स हैं और 5 राज्यसभा सीट्स हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम सीईओ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है निक हॉकले। निक हॉकले जी को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इंटरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किन की जगह ली है? इन्होंने जगह ली है केविन रॉबर्ट्स की। केविन रॉबर्ट्स ने हाल ही में रिजाइन किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेब पोर्टल फॉर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपने यूथ के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है तमिलनाडु
प्राइवेट जॉब पोर्टल। यह पोर्टल एक ब्रिज के जैसा एक्ट करेगा, किनके बीच में, प्राइवेट कंपनीज और जॉब सीकिंग यूथ के बीच में। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी और सीएम हैं ई पलानी सामी जी। और अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो 39 लोकसभा सीट्स हैं तमिलनाडु में और 18 राज्यसभा सीट्स हैं। अगर बात करते हैं तमिलनाडु की कैपिटल की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत किस देश की सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय ट्राई सर्विस कंटीजेंट को भेजेगा? इंडिया विल सेंड अ 75 मेंबर ट्राई सर्विस कंटीजेंट टू पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री परेड ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है रसिया। भारत एक 75 सदस्यीय जो ट्राई सर्विसेस कंटीजेंट है, उसको रसिया में शामिल परेड्स में शामिल होने के लिए भेजेगा। और अगर बात करें परेड की, तो यह परेड हो रही है 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ सोवियत पीपल इन द ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर ऑफ 1941 से लेकर 1945 तक जो वॉर चला था। अगर बात करते हैं पैट्रियोटिक वॉर की, तो पैट्रियोटिक वॉर था नाजी आर्मी और यूएसएसआर के बीच में, जब नाजी आर्मी ने 1941 में यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया था, तो 1945 में नाजियों को हरा दिया गया था यूएसएसआर द्वारा, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये परेड हो रही है। अगर आपको इस वॉर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अगर बात करते हैं रशिया की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगर बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी है रशियन रूबल। और अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है वो आर्मी का ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट। ठीक है, ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट जो कि कर्नल रैंक ऑफिसर द्वारा लेट किया जा रहा, ये हमारे एयरफोर्स ऑफिशियल्स, ये हमारे नेवी और ये हमारे आर्मी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एयर वेंटी एप्लीकेशन? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई सिविक अथॉरिटी ने हाल ही में एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स एंड वेंटिलेटर्स इन द सिटी हॉस्पिटल्स, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इनमें बेड्स की जानकारी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अगर बात करें सीएम की, तो सीएम है उद्धव ठाकरे जी। और अगर बात करते हैं लोकसभा सीट की, तो 48 लोकसभा सीट्स हैं महाराष्ट्र में। और अगर बात करते हैं राज्यसभा सीट्स की, तो यहाँ पर 19 राज्यसभा सीट हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कार जोन रेंट के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ कार जोन रेंट? तो इसका सही जवाब है सुदर्शन एस शर्मा। सुदर्शन एस शर्मा को कार जोन रेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कार जोन रेंट एक इंडियन कार रेंटल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल कोविड परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक मोबाइल टेस्टिंग, जो कोविड टेस्टिंग लैब है, उसका उद्घाटन किया। ये है वो लैब। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये एक फर्स्ट मोबाइल लेबोरेटरी है इन्फेक्शियस डिसीज डायग्नोस करने की, जो कि रिमोट एरियाज और इंटीरियर एरियाज को में लगाई जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही, पढ़ते रहें, धन्यवाद।